नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की और बताएंगे कि मार्केट गिरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मार्केट को जबरदस्ती गिराना है, बट मार्केट में जब भी कोई पैटर्न बने और पैटर्न जो रिवर्सल का पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे डबल टॉप ट्रिपल टॉप, तो वहां से तो हमारी सेलिंग बनती ही है। बट अभी कुछ दिनों से मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग काम ही नहीं कर रहा है। रीजन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ स्टॉक थे जो हमने आज के दिन आपको रिकमेंड करे थे उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ बताएंगे कि निफ्टी में कल के दिन किस तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज करना है, कौन सी कॉल खरीदनी है, कौन सी पुट खरीदनी है। और आज हमने एक कॉल रिकमेंड भी करी थी, यानी कि एक हमने बेसिकली निफ्टी की एक पुट को रिकमेंड भी करा था, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहले लेकर जाऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे आपको बताऊंगा पहला स्टॉक जो हमने आज के दिन आपको रिकमेंड करा था वो था BEML। BEML में इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, 1545 पे बोला था कि सेलिंग कर सकते हैं। जल्दी से रहेंगे BEML के चार्ट पे, पहले मैं स्टॉक रिव्यू करूंगा उसके बाद मैं डायरेक्टली लेके जाऊंगा आपको निफ्टी के चार्ट पे। तो अवर्ली चार्ट था दोस्तों, यहां पे देखेंगे तो अवर्ली चार्ट पे ये देखिएगा दोस्तों, यहां पे इवनिंग स्टार पैटर्न आपको दिखाई दिया था। मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे आपको समझाना चाहूंगा। तो यहां पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, मैं लिख देता हूं इवनिंग स्टार इन BEML। तो यहां पे इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था और हमने 1545 पे आपको रेकमेंड करा था। उसके बाद जो इसका लो बना है BEML का, अगर आप देखेंगे तो लो बनाया दोस्तों 1522 का। तो हमने आपको सेलिंग कितने पे कराई थी, 1546 के आसपास, और लो बना 1522 का। तो आशा करूंगा कि आपने BEML में ट्रेड करके तो पैसा अपना बनाया ही होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने आपको रिकमेंड करा था यहाँ पे देखेंगे वो था बाटा इंडिया ही मैंने आपको रिकमेंड करा था 1963 के आसपास। तो बाटा इंडिया का चार्ट मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा और यहाँ पे हम बाटा इंडिया को समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बाटा इंडिया में अवर्ली चार्ट में हमने यहाँ पे आपको सेलिंग रिकमेंड करी थी, क्योंकि इसमें पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न। बट दोस्तों सेलिंग की जगह मार्केट में एक तेजी आपको देखने को मिली और जो हमारा SL था बाटा इंडिया में वो ट्रिगर्ड हो गया था। तो BEML में टारगेट आया, बाटा इंडिया में SL ट्रिगर्ड हो गया। तो तीसरा जो स्टॉक था वो दोस्तों था ट्रिपल टॉप बना था, जो कि DLF में था। मैं जल्दी से इसको रिव्यू करूंगा, 420 रुपए के आसपास हमने रिकमेंड किया था इसे। तो यहाँ पे देखेंगे ये ट्रिपल टॉप पैटर्न था, और यहाँ पे अगर अभी भी देखते हैं तो अभी भी ट्रिपल टॉप पैटर्न बना ही हुआ है। तो कहना चाहूंगा कि अगर आपको कल के दिन बेरिश कैंडल के साथ शुरुआत होती है DLF की, तो वहां से आप अपनी पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं। और इसका जो SL बनता है DLF का, वो मैं आपको बताऊंगा, वो है 438 रुपए के आसपास। स्पॉट मार्केट का मैं आपको SL बता रहा हूं, और कल इसमें अगर सेलिंग आएगी तो पहला मैसेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों अगला जो स्टॉक था, स्टॉक नहीं दोस्तों, निफ्टी हमने आपको रिकमेंड करा था। निफ्टी में हमने आपको बताया था जब इसका रेट चल रहा था 17930 के आसपास, तो बताया था कि निफ्टी में पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, पैटर्न बना हुआ है। तो जल्दी से रहेंगे निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इसे। तो ये देखिएगा दोस्तों, आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17991 की, 18000 मान के चलिए। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे अवर्ली चार्ट, और अवर्ली के चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, माफ कीजिएगा, 4 अवर्ली का चार्ट है ये, और 4 अवर्ली के चार्ट पे इसने डबल टॉप पैटर्न बना दिया। हालांकि डेली और 4 अवर्ली के चार्ट पे सेम पैटर्न दिखाई दिया है, पर दोस्तों आज हुआ क्या, इसका लो जो बना था, अगर मैं बात करूंगा निफ्टी का जहां पे हमने आपको रिकमेंड करा था, वहां से 17864 तक आया था। हमने आपको रिकमेंड करा था 17930 रुपए के आसपास, 17864 रुपए के आसपास का इसका लो बन गया था। पर दोस्तों हमारा वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं हुआ था। रीजन क्या था, क्योंकि वहां से लग रहा था कि इसमें और बड़ी गिरावट आएगी, बट दोस्तों क्लोजिंग करते करते इसने 18000 के आसपास क्लोजिंग कर दी है। तो नेक्स्ट डे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है उसके बारे में जिक्र करेंगे। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अभी क्या, इसके हिसाब से निफ्टी जो है काफी वीक लग रही है। देखिए क्यों, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ दोस्तों फिलहाल कहना चाहूंगा, हालांकि रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा काम करा रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पुराना हाई ब्रेक नहीं करता, पुराना हाई यानी कि कल का हाई, जो कि दोस्तों है यहां पे बात करूंगा 18042 रुपए के आसपास लेवल है दोस्तों, जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, 18042 का लेवल। अभी क्या क्लोजिंग है इसकी, 18000 के आसपास आप क्लोजिंग मान के चलिए इसकी, ये क्या है क्लोजिंग प्राइस है। अब कल के दिन क्या होता है, कल के दिन की अगर मैं बात करूं, कल के दिन अगर ये बुलिश कैंडल के साथ ओपन होता है और ये 18042 का हाई ब्रेक करता है, तो फिर दोस्तों बाइंग बनती ही है इसकी।
क्यों बनती है, क्या रीजन है उसका, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि मैं खुद इसमें सेलिंग में हूं, हालांकि मैं काफी टाइम से निफ्टी में बाइंग में था, बट अभी फिलहाल मेरे को सेलिंग लग रही थी। आज भी मैंने निफ्टी की पुट ली थी, उसके बारे में जिक्र करूंगा आगे। पर दोस्तों फिर भी कहना चाहूंगा कि अभी मेरी पोजीशन स्क्वेयर अप हो गई है, बट कल के दिन अगर 18,042 के ऊपर जाएगा तो ना चाहते हुए मुझे बाय करनी पड़ेगा। बोलोगे ना चाहते हुए भाई ये क्या मतलब है, अब चाहना भी होता है क्या कि मैं चाहूंगा तो बाय करूंगा, मैं चाहूंगा तो सेल करूंगा। हालांकि आया तो मैं पैसे के लिए हूं, पर दोस्तों क्या होता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्या चीज है। अभी हमें मार्केट के अकॉर्डिंगली काम करना है, मार्केट के अगेंस्ट काम नहीं करना है। हालांकि आज मैं काफी श्योर था कि भैया आज तो गिरेगा बाजार, आज तो पैसा बनेगा। हालांकि कल भी ट्रेड करके 1,38,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया था हमने, बट आज लग रहा था कि सेलिंग बन सकती है। एक 50 पॉइंट के एसएल से हमने एक ट्रेड बनाया भी था, हालांकि वो ट्रेड हमारा जो एसएल था उसमें ट्रिगर हो गया, क्योंकि जब भी 17,930 के आसपास था तो हमने क्या करा था, निफ्टी की पुट ली थी जो कि 18,000 वाली थी, एट द मनी की मैंने ली थी पुट, 18,000 वाली पुट जो कि हमने रिकमेंड भी करी थी वो हमने ली थी यहाँ पे 252 रुपए के आसपास। एसएल मेरा था दोस्तों इसमें 200 रुपए के आसपास था जो कि यार ट्रिगर हो गया है, और उसके बाद ये इसका इसकी वैल्यू बढ़ी भी थी आगे, बट एसएल लगा के मैंने वहां से क्या एग्जिट कर दिया, जिसमें मेरा एक लॉट में जो नुकसान हुआ था 2500 के आसपास का नुकसान हुआ था, और मेरे थे 210 लॉट, तो वहां पे मुझे जो नुकसान हुआ 25,000 रुपए के आसपास हो गया। बट हालांकि कल 1,38,000 का प्रॉफिट होता है, 25,000 का नुकसान हो गया ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बुलिश कैंडल के साथ ओपन होगा तो फिर बाय कर लेना, वही एसएल लगा लेना इसमें। कितने का एसएल लगाना है आपको, 17,864 के एसएल से आपको बाइंग करनी पड़ेगी इसमें, जो कि आज का लो है, और 18,000 के ऊपर जाएगा तो 150 पॉइंट के एसएल से आप अगर यहाँ पे बाइंग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें फिर 18,300 18,400 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बट वहीं पे दोस्तों बात करूंगा कि अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, अगर वहीं पे आपको बियरिश कैंडल मिलती है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं सीरिया को, यहाँ पे देखिएगा अगर यहीं पे आपको बेरिश कैंडल मिलती है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस पे बिल्कुल क्लोज हुआ है। अब आपको ये भी चीज समझनी है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिश ही हो जाएगा, तेजी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके जो लॉजिक है कि पहला तो ये है कि प्राइस के साथ ब्रेक करेगा तो आप बाय करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करूंगा, क्लोजिंग करेगा तो आप बात करते हैं बाय करते हैं। तीसरा दोस्तों ये है कि आपको अगर ये मान लो कि सस्टेन करेगा ऊपर, यानी कि मैं लिख देता हूं कंसोलिडेट करेगा तो आप बाय करते हैं। चौथा दोस्तों वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा तो आप बाय करते हैं। ये चार मेजर कारण है दोस्तों जिसके ऊपर आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना पसंद करते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि ये चारों चीजें भी फेल हो जाती। हालांकि आज इसने वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक करा है, अगर मैं बात करूंगा क्लोजिंग भी दोस्तों इसने दी है, वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक करा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों कंसोलिडेट भी करा है, प्राइस ने तो ब्रेक कराई है। तो ये चारों चीजें दोस्तों, हालांकि रेजिस्टेंस के ऊपर ये मार्केट गया है और चारों जो इसके जो सिम्टम्स हैं या लॉजिक्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट कहीं ना ऐसा होता ना कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि तेजी आ सकती है। अब आप बोलोगे यार आप तो वही बात कर रहे हो लगने वाली बात, बट क्यों, क्योंकि ना नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर मैं यहाँ पे इसका डेली चार्ट आपको दिखाऊं, आप चीजें समझने की कोशिश करेगा, रिलेट करने की कोशिश करिएगा क्यों क्या रीजन है इसका। इसको थोड़ा सा मैं कर दूं मिनिमाइज, तो देखेंगे कि बहुत टाइम से ना ये क्या नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि एक बार जो निफ्टी है वो 17,500 के आसपास जाना चाहिए। बट फिर भी मैं बात करूंगा कि एक बार मेरे कहने से एक बार जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं ना उसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, जो लेवल है वो है 17,950 का। अब जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं उस लेवल पे काम जरूर करना, और मैं कह रहा हूं उसमें आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर पैसा नहीं बना तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूंगा उस चीज का, आपको ही मैं वीडियो ऑनलाइन बोल रहा हूं दोस्तों, वीडियो में बोल रहा हूं, क्यों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मेरा हक बनता है कि आपको पैसा कमा के देने का। हालांकि उसका कोई मैं हिस्सा नहीं ले रहा आपसे, बट कहीं ना कहीं दोस्तों एक एक ह्यूमैनिटी है दोस्तों, और साथ साथ कहीं ना कहीं आप मेरे को कमेंट करते हैं फोन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक एक संबंध भी कहीं ना कहीं बन चुका है, टीचर का और साथ साथ स्टूडेंट का भी दोस्तों एक रिश्ता होता है, तो कहीं ना कहीं उस मर्यादा को हमें रखना पड़ेगा। तो वहां पे मैं आपको एक लेवल देना चाहूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा है 17,950। 17,950 के नीचे जब भी मार्केट जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो दोस्तों मेरे कहने पे एक बार आप 18,000 वाली पुट खरीद सकते हैं। अब आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए कि किसी स्टॉक पे कोई ट्रेड करेंगे तो रिस्क आपका अपना है, तो लॉस भी आपका है प्रॉफिट भी आप ही का है, प्रॉफिट का मैं कोई हिस्सा मांगने वाला नहीं हूं आपसे। तो 18,000 वाली पुट क्यों खरीदेंगे, रीजन क्या, क्योंकि यहाँ पे मैं एट द मनी पे जाना ज्यादा पसंद करूंगा, इन द मनी में नहीं जाऊंगा। इन द मनी की मैं ले सकता था, बट उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी क्या है ना वन साइडेड है, तो मैं
थोड़ा कम रिस्क लूंगा, ओटीएम पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एट द मनी की 18,000 वाली अगर मैं पुट खरीदता हूँ, उसका जो रेट चल रहा होगा उस टाइम एग्जाम्पल के तौर पर 200 रुपए के आसपास का चल रहा होगा, तो आप 50 रुपए कम का यानी कि 150 रुपए के एसएल से आप ये पुट खरीद सकते हैं। ये प्रीमियम है दोस्तों, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस 28 अक्टूबर मंथली वाली एक्सपायरी, तो ले लीजिएगा जब भी 17,950 के नीचे जाएगा। अब ये लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसके अपने पास रख लीजिए, इस लेवल पे काम जरूर 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 करना है। और टारगेट क्या रहेगा इसमें, 200 पे खरीदोगे तो 400 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कितनी बार पैसा कमा के दिया आपको मैंने, अब मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, हमारे पुराने अगर यूजर होंगे तो देखेंगे कितनी बार आपको पैसा कमा के दिया इसी तरीके की स्ट्रेटेजी से। तो इस बार भी मुझे लग रहा है कि अगर 18,041 के ऊपर जाएगा तो फिर एक बार बाय कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ, कम क्वांटिटी रखना। यहाँ पे अगर 17,950 के नीचे जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। बार बार चीजें नहीं बताऊंगा मैं, लाइव मार्केट में आके मैं कोई टिप्स नहीं दूंगा, इसको समझ लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। और फिलहाल कुछ स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड करे थे और कुछ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, तो देखेंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी काफी सारे मैसेज कर रहे हैं, जैसे बेरिश हमें पैटर्न बना है वोल्टास में, यहाँ पे देखेंगे उसमें आप कल के लिए ट्रेड बना सकते हैं। हैवर बना है टेक महिंद्रा में, उसमें आप कल के दिन ट्रेड बना सकते हैं। डी मार्ट में शूटिंग स्टार है, उसमें ट्रेड बना सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट ये सारे स्टॉक्स हम रिकमेंड करते हैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप पहले तो टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। रीजन क्या है, क्योंकि काफी लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं जी हमें टिप दे दो या फिर हमें सिखा दो। तो सबसे पहली बात है कि मेरा ऑनलाइन कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें वेबसाइट पे जाइएगा www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा वहां पे, उसके बाद आप मेरा टेक्निकल का कोर्स परचेस कर पाएंगे। ये टेक्निकल का कोर्स है, ये ऑप्शन का कोर्स है, साथ साथ दोस्तों ये है कॉम्बो कोर्स भी, आप चाहे तो हमारा परचेस कर सकते हैं, टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो ले सकते हैं। टेक्निकल में 28 वीडियोस, 10 आवर्स का कोर्स, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया गया है, डाइवर्जेंस क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, कैंडलस्टिक किस तरीके से काम करता है, उसके लॉजिक्स क्या है, 70% एक्यूरेसी की मैं गारंटी देता हूं आपको। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं 1 से 1.5 महीना तो 70% की एक्यूरेसी आप ला सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप अपनी डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू दोस्तों क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बेसिकली क्या आपको बताता है कि कौन सी स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल डायरेक्शन देता है और स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं ऑप्शन के कोर्स के थ्रू। और साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इसमें जरूर ज्वाइन होइएगा अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। कई लोग आप बोलते हैं ना टिप्स चाहिए, तो टिप्स के ही काम करे रहे। संडे को हमारे वेबिनार होते हैं, वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साल में एक बार मीटअप करते हैं वो आपको मिलेगा। और साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे एक बार देना है। कोर्स भी आपको वीडियो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल मिलेगी। और जब भी कोई डाउट है कभी भी मुझे कॉल करिएगा, अगर कॉल नहीं उठाऊंगा तो कॉल बैक आपको जरूर करूंगा। साथ साथ कहना चाहूंगा, दो ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उसमें से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।